हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं विरत आप लोगों का सिलेक्शन मेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग भारत की राजव्यवस्था में संविधान की उद्देशिका का भाग दो पढ़ेंगे। और इस भाग दो में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पहले इसको जानने के लिए भाग एक में क्या क्या चीज़ें थी इसको ज़रा समझते हैं। तो हेडिंग है यहाँ पर भारत की उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका, और इसका पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं। तो बाकी सारी चीजें मैंने पार्ट वन में पढ़ाई थी, आप उसको पार्ट वन से कवर करिएगा। मैंने आपको बताया था कि पार्ट वन में जब उद्देशिका मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसमें कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। इसी तरीके से एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, समाजवादी। इसी तरीके से एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, पंथ निरपेक्ष। अगला शब्द हमारे लिए था लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये सारे शब्दों पर हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं, आज इसके आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि आज चर्चा होनी है न्याय पर। आज चर्चा किस पर होनी है? न्याय पर। दूसरा पॉइंट हमें समझना है न्याय के अलावा अगर देखा जाए स्वतंत्रता। तीसरा पॉइंट हमको देखने को मिले, माफ कीजिएगा, तीसरा पॉइंट जो आज हम लोगों को पढ़ना है वो कौन सा है? स्वतंत्रता के बाद अगर देखा जाए समता। समता। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, अखंडता। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है बंधुता, बंधुता। ये सब वो पॉइंट हैं जो हम लोगों को डिस्कशन करने हैं आज, और जिससे कि हमारा ये संविधान की उद्देशिका जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोगों को पढ़नी पड़ सकती हैं। और तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ये आज न्याय के बारे में। न्याय के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर उद्देशिका जब आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये जो उद्देशिका है ये चाहती है कि भारतीय नागरिकों को, जो भी भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन प्रकार के, अगर हम न्याय की बात करते हैं तो भारतीय संविधान की उद्देशिका तीन प्रकार के न्याय की मांग कर रही है। किस किस प्रकार की? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो भारतीय संविधान है ये इस बात की परिकल्पना कर रहा है, इस बात के विचार कर रहा है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें किसी प्रकार को, किसी भी तरीके से ऊंच और नीच की जो भावना है, ऊंच नीच की जो भावना है, डिस्क्रिमिनेशन जो क्रिएट हो रहा है, ये ऊंच नीच की भावना, भेदभाव जो है वो क्या हो सके? खत्म हो सके। अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव है, अमीरी और गरीबी, ये जो भेदभाव आपको, डिस्क्रिमिनेशन यहां पर देखने को मिलता है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के अंतर्गत आता है कि इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो समाप्त हो, खत्म हो, ये ना। राजनीतिक अगर रूप से अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से जैसे कि सभी व्यक्तियों को जो 18 वर्ष की आयु के हो चुके हैं वर्तमान संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो उन्हें वोट डालने का अधिकार हो, वोट डालने के अधिकार के साथ साथ उन्हें स्वेच्छा से अपने राजनीतिक प्रतिनिधि का चयन करने की स्वतंत्रता हो, इस पर किसी भी प्रकार का लाठी डंडे का जोर ना हो, ठीक है, वोट डालने के लिए किसी प्रकार से। राजनीतिक समानता में और भी सारी चीजें आती हैं, कोई भी व्यक्ति अपने अपने आप को जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र है, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र है, और जनता भी किसी भी प्रतिनिधि को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए स्वतंत्र हो, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आती है। तो राजनीतिक न्याय में तीन प्रकार के न्याय भारतीय संविधान के उद्देशिका में रखे गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ध्यान रखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है कि किस क्रम में मिले हैं, तो इसी क्रम में आपको लिखना भी है, ठीक है, ये क्रम भी लिखना है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लिख दो या उल्टा सीधा लिख दो, सामाजिक फिर आर्थिक फिर राजनीतिक, इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है।
इसके अलावा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो समता यानी कि समानता, इसको आप समानता कह सकते हैं, समानता की भी पैरवी करता है। लेकिन किस प्रकार की समानता की अगर हम बात करें, अच्छा इससे पहले समता से पहले एक और शब्द है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। समता से पहले एक शब्द आएगा आपका स्वतंत्रता। तो समता से पहले जो शब्द स्वतंत्रता वाला आ रहा है पहले उसको जरा सॉल्व कर लेते हैं फिर उसके बाद इसकी तरफ पढ़ेंगे, ठीक है? एक मिनट रुक जाइए। ठीक, तो समता से पहले हम लोग एक पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है जो कि है आपकी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किन चीजों की, स्वतंत्रता किन चीजों की चाहिए, स्वतंत्रता। अब किन चीजों की स्वतंत्रता की बात करी जा रही है वो भी संविधान की इस कॉन्स्टिट्यूशन की इस ये जो प्रीएम्बल है इसमें डिफाइन किया गया है, और खास तौर से विचार अभिव्यक्ति थोड़ा गलत लिखा है ये अभिव्यक्ति, ठीक है। इसके अलावा विश्वास इसके अलावा धर्म, इसके अलावा उपासना, ठीक है। अब हमारा संविधान ये चाहता है कि हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को उनके किसी भी प्रकार के विचार की स्वतंत्रता हो, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, किसी पर भी विश्वास करने की स्वतंत्रता हो, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो और किसी भी धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता हो। ये सारे जितने भी बिलीव हैं, फेथ हैं, वर्शिप है, थॉट्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, इन सब में स्वतंत्रता मिले, सभी में आज़ादी मिले लोगों को विचार करने की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की उपासना की। स्वतंत्रता में इन्हीं की परिकल्पना की गई है। अगर आप देखें तो यहाँ पर पांच प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करी गई है और तीन प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इनकी स्वतंत्रता की पैरवी कर रहा है हमारा जो उद्देशिका है संविधान का वो। और इसके अलावा तीसरा फैक्ट जो हमको मिलता है वो है समता का, समता मतलब समानता का, और समानता किस रूप में प्रतिष्ठा एवं अवसर, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। देखिए किसी भी प्रकार के अवसर हैं, आपको आगे बढ़ने का अवसर है, जॉब पाने का अवसर है, राजनीति में आने का अवसर है, पढ़ने का अवसर है, खेलने का अवसर है, स्वतंत्रता, हर प्रकार के अवसर में हर एक व्यक्ति को समानता मिले और हर एक व्यक्ति की डिग्निटी मेंटेन रहे। ये नहीं कि कोई फला व्यक्ति है, कोई गरीब है तो उसकी कोई डिग्निटी नहीं है, अमीर है तो उसकी डिग्निटी ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गरीबी अमीरी का एक खेल प्रतिष्ठा से भी जुड़ता है, ठीक है, ऊंच नीच का एक खेल प्रतिष्ठा से भी जुड़ता है। तो समानता के साथ, न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता के साथ साथ प्रतिष्ठा और अवसर की जो समानता है ये भी उद्देशिका जो है वो संविधान को बताता है कि जब संविधान में आप नियम जोड़ें तो ध्यान रखें कोई भी नियम किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, कोई भी नियम ऐसा ना हो जो किसी व्यक्ति को उसके अवसर से वंचित करता हो। तो हमें जब भी नियम जोड़ने हैं तो ये ध्यान रखते हुए ही जोड़ने हैं जिससे लोगों को ये दोनों चीजें स्वतंत्रता क्या नाम है समता के रूप में जो है वो प्राप्त हो सके। इसके अलावा एक टर्म आता है बंधुता, और बंधुता शब्द का इस्तेमाल यहां पर किस तरीके से होगा इसको जरा अगले पेज में समझते हैं। बंधुता यानी कि बंधुत्व भी आप इसको बोल सकते हैं, बंधुत्व, या फिर आप इसे फ्रेटर्निटी भी बोल सकते हैं, बंधुता या बंधुत्व या फ्रेटर्निटी। अब बंधुता में एक बात कही गई है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। देखिए हम लोग अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, ठीक है, अलग अलग संप्रदाय के हैं, अलग अलग विचारों के हैं, और इन सब बातों में भिन्नता होने के कारण ये संभव है कि हम एक दूसरे से अलग रहना पसंद करें, लेकिन संविधान क्या चाहता है, राष्ट्र क्या चाहता है, ये अलगाव ना हो। हम अपने धर्म अलग अलग रखें, हम अपनी जाति अलग अलग रखें, अपने संप्रदाय अलग रखें, अपने विचार अलग रखें, ठीक है, हम अपने पंथ अलग रखें, लेकिन उसके बावजूद भी एकजुटता की भावना होनी चाहिए कि अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मुस्लिम हैं,
अगर आप सिख हैं, अगर आप ईसाई हैं, अगर आप जैन हैं, अगर आप बौद्ध हैं, अगर आप यहूदी हैं, अगर आप ज़रथुस्ट्रियंस हैं, आप कुछ भी हैं, एक दूसरे को भाई के तरह ही समझेंगे, क्योंकि भारत को संविधान एक परिवार के रूप में मानता है। तो जब संविधान परिवार के रूप में मानता है इसे, जब संविधान भारत को परिवार के रूप में मान रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि परिवार में कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, कोई स्त्री पुरुष में अगर देखा जाए तो कोई माँ के रूप में रहेगा, कोई बहन के रूप में रहेगा, कोई पिता के रूप में रहेगा, कोई भाई के रूप में रहेगा, ठीक है, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, किसी के विचार अलग होंगे, किसी के विचार मिल रहे होंगे, तो एक ही परिवार में इस तरीके की विचारधारा के लोग अलग अलग तरीके से मिलते हैं। स्वभावतः यहाँ भारत में भी इसी प्रकार से अलग अलग संप्रदाय के लोग मिलते हैं। तो जैसे परिवार में अलग अलग होने के बावजूद भी हम एकजुट रहते हैं, एकजुट होने की भावना होती है, उसी प्रकार से भारत जो परिवार है उसमें भी जो अलग अलग लोग हैं वे भी बंधुता दिखाएं। भाई बहन का जो प्यार है वो हमको फ्रेटर्निटी के रूप में दिखाई देना चाहिए, बंधुत्व के रूप में दिखाई देना चाहिए, जिससे कि परिवार, आपने देखा होगा कुछ परिवार टूट जाते हैं, रीजन क्या होता है, दो अलग अलग मतभेद होने के कारण परिवार में दरार पड़ जाती है, ठीक है, दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग जब एक ही परिवार में रहते हैं और उनकी विचारधाराएं जब मिलना बंद कर देती हैं, जब उसमें कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, तो उस परिवार में अलगाव हो जाता है, बीच में दीवार खड़ी हो जाती है, और भारत चाहता है कि ये दीवार ना खड़ी हो, इस प्रकार का बंधुत्व बनाए रखें जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बरकरार रहे। लड़ो चाहे जितना उससे मतलब नहीं, लेकिन इस प्रकार नहीं लड़ना है कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश जो है वो टूटने पर आ जाए, बंटने पर आ जाए, राष्ट्र बंटेगा नहीं, ये कहना है संविधान का। अब आप इसे मान लो प्यार से, नहीं तो संविधान बनवा लेगा मार करके, ठीक है। तो दोनों प्रकार की चीजें, इसी को रिजिडनेस भी कह सकते हैं संविधान की, और इसी को हम कह सकते हैं कि संविधान का लचीलापन है, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको दोनों में से, ठीक है ना। मेरी बात यहां पर समझ में आ गई मेरे ख्याल से सभी को। तो ये वो विषय हैं, ये वो सारी चीज़ें थीं जो संविधान में शामिल थीं, जिन पर हम लोगों ने डिस्कशन किया भी अभी, और एक बार जल्दी से देखते हैं रिवाइज करके, कुछ रह तो नहीं गया जिस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। हमने आपको कल प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य तक डिस्कशन कर दिया था। आज हमने न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता से संबंधित राष्ट्रीय एकता और अखंडता को परिभाषित किया। तो ये सारे टर्म्स जो थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान की उद्देशिका में जो दिए गए थे, वो सारे के सारे आपके जो है वो क्या हो गए, पूरे हो गए, ठीक है। अब आपको संविधान की उद्देशिका से क्या क्या चीजें और पढ़नी है, क्या और विशेष पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, उनमें है कि संविधान जो है उसका उद्देश्य, संविधान की उद्देशिका जो है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोक कल्याणकारी भावना से प्रेरित है, और वो लोक कल्याणकारी भावना जो है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर कार्य करती है। और जब इस संविधान को बन, जब ये संविधान बन जाता है और उसके बाद जब हम देखते हैं कि इसी के अनुसार हमारा संविधान निर्मित हुआ है, तो एक विशेष इम्पोर्टेंस हो जाती है इस उद्देशिका की, इस प्रस्तावना की, उद्देशिका या फिर आप प्रस्तावना जिसे कह रहे हैं, इसका एक विशेष इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है, प्रीएम्बल। और वो इंपॉर्टेंस के आधार पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार भी इसके लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। तो कौन कौन से विचारक हैं, उनमें सबसे पहला पॉइंट हमको यहां पर ध्यान रखना है कि एक जस्टिस हैं, एक न्यायमूर्ति हैं जिनका नाम है, एक जज हैं जिनका नाम है एम हिदायतुल्ला। क्या नाम है? एम हिदायतुल्ला। इनका कथन है कि उद्देशिका संविधान की आत्मा है। तो आपको ध्यान रखना है, उद्देशिका संविधान की आत्मा है, ये स्टेटमेंट एक तो एम हिदायतुल्ला का है, और दूसरा यही सेम स्टेटमेंट आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी मिलेगा, पंडित
जवाहर लाल नेहरू। तो वन डे एग्जाम होता यदि अगर आपका, या हम कह सकते हैं कि अगर प्रीलिम का एग्जाम होता, तो मैं आपसे कहता कि आप ध्यान रखो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि संविधान की आत्मा कौन है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा गया है, उद्देशिका को या प्रस्तावना को, ठीक है। लेकिन यही सेम कथन आपका अहमदायतुल्ला का भी है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, आप चाहें तो मेंस में इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस पॉइंट है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है, संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे, का नाम है के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो के एम मुंशी जी ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा, इसके बारे में उन्होंने कहा कि प्रस्तावना भारत के मूल आदर्शों एवं स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली कहने वाले व्यक्ति कौन है, उद्देशिका को कहने वाले व्यक्ति कौन है, उनका नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी या के एम मुंशी। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट, तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इन्हीं तीन पॉइंट्स के साथ उद्देशिका के कुछ विवाद भी जुड़ते हैं, जैसे बेरुबारी विवाद, ये भी उद्देशिका से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा, बेरुबारी विवाद के अलावा, एक केस आपको देखने को मिलेगा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य, ये भी उद्देशिका से रिलेटेड है। इसके अलावा बहुत ही फेमस एक विवाद है, केशवानंद भारती, अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है, केशवानंद भारती केस, ये सब रिलेटेड हैं, उद्देशिका से संबंधित हैं सारे। अगर हम इसमें गोलकनाथ बनाम बेरुबारी विवाद की बात अगर हम करते हैं, यहां पर एक पॉइंट अगर आपको देखने को मिल रहा है, गोलकनाथ बनाम एक पॉइंट मैं यहां पर डिस्कशन करूंगा कि एक है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अगर हम इस केस की बात करते हैं यहां पर, तो हमें पता चलता है कि इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय सुब्बाराव जी, उन्होंने इस मामले में एक निर्णय सुनाया है जिसमें कहा है कि उद्देशिका किसी भी संविधान के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। यानी इस विवाद में न्यायमूर्ति सुब्बाराव ये कौन है, ये न्यायमूर्ति है, माननीय न्यायमूर्ति, ठीक है। इस विवाद के लिए जो इन्होंने डिसीजन दिया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है उद्देशिका, ये सब लिखने में बहुत आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। अब जरा इसको समझते हैं, क्या लिखा है यहां पर, स्टेटमेंट लिखा है कि जो प्रियम्बल है वो किसी भी अधिनियम, मतलब बहुत बड़े नियम जो होते हैं, बहुत बड़े नियम आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, और उन्हीं अधिनियमों के आधार पर छोटे मोटे नियम या लॉ जो है वो बनाए जाते हैं। तो यहां पर जब अधिनियम की बात हो रही है, किसी भी नियम या अधिनियम की बात जब हो रही है, तो उस नियम को बनाते समय उसके कुछ आदर्श होते हैं और उसकी कुछ भावनाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं उस नियम की। तो जो नियम आप बना रहे हैं उसके आदर्श जो है आपको कहां मिलेंगे, उद्देशिका मिलेंगे, और उन नियमों की क्या इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं भी कहीं ना कहीं आपको
किस में दिखाई देंगी, उद्देशिकाओं में दिखाई देंगी। इसलिए भारतीय संविधान में उद्देशिका का होना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरा केस जो हमने आपको बताया था, बेरुबारी केस, बेरुबारी, बेरुबारी विवाद में अगर आप देखोगे तो यहां पे उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। देखिए यहां पर एक अलग पार्ट हो गया, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसे माना गया, माना गया कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अगर याद हो लेक्चर के शुरुआत में कहा था आपसे कि आप जब कोई किताब खरीदते हैं तो उसमें पहला पेज इंडेक्स का होता है, दूसरा पेज प्रस्तावना का होता है। तो हम उस प्रस्तावना वाले पेज को स्किप करके तीसरे पेज में जहां से मेन कंटेंट शुरू होता है वहां से पढ़ाई शुरू करते हैं और पहला पेज जो इंडेक्स वाला होता है उसको पढ़ते हैं। बीच का जो ये पेज प्रस्तावना वाला है इसको हमारे किसी काम का नहीं होता। अगर इस पेज को अगर हम फाड़ के फेंक दें तो भी हमारी किताब उतनी ही यूजफुल है जितनी उस किताब में उस पन्ने के लगे रहने से। तो हमारे पास तो माफ कीजिएगा, हमारे पास तो प्रिपेयर्ड बुक आती है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेरुबारी विवाद में कहा गया कि भाई प्रस्तावना तो बस संविधान के निर्माण के लिए यूज की गई थी और संविधान का निर्माण हो चुका है तो अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन बाद में इस बात पर विचार किया गया, आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो इसी तरह से इसी तरीके का तर्क देते हुए बेरुबारी विवाद में यह पॉइंट कहा गया था। लेकिन ध्यान रखना है कि बेरुबारी विवाद में एक तरफ तो यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और दूसरी तरफ कहा गया कि इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। तो विधायिका जो है, जो संसद है, विधायिका के रूप में जानी जाती है, विधायिका, विधायिका संशोधन कर सकती है। लेकिन किसमें? विधायिका संशोधन को, विधायिका में को संशोधन करने का अधिकार किसमें? भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के किसी भाग में, किसी भाग में विधायिका को संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन बेरुबारी में प्रस्तावना को संविधान का भाग ही नहीं माना गया, तो आप किसी भाग में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन जब प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है तो इसका मतलब आप प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, ये बेरुबारी विवाद में कहा गया। इसके अपोजिट अगर आप देखेंगे केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती विवाद जो है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परंतु परंतु मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो अब देखिए प्रस्तावना को मान लिया गया संविधान का अंग यहां पर, और जब संविधान का अंग है तो विधायिका की वो शक्ति उसे लौटाई जाएगी जिसमें वो संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। अब कई सारे लोग केशवानंद भारती को थोड़ा सा गलत तरीके से पढ़ लेते हैं और वे कहते हैं केशवानंद भारती केस के अनुसार भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार परिवर्तन किया गया है और दोबारा कभी परिवर्तन उसमें नहीं किया सकता। ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने संविधान के किसी भी भाग में, इवन प्रस्तावना में भी हम संशोधन कर सकते हैं, बस मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बस मूल ढांचा। अब आप कहेंगे सर ये मूल ढांचा क्या है? तो केशवानंद भारती केस में डिफाइन नहीं किया गया है कि मूल ढांचा क्या है, कुछ उदाहरण जरूर दिए गए हैं लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है। और ये कहा गया है कि जब कभी भी मूल ढांचे की बात आएगी तो इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा कि जो चीज परिवर्तित करी जा रही है वो मूल ढांचे से रिलेटेड है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसका निर्णय लेता रहेगा कि क्या मूल ढांचा है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। ठीक है, मेरी ख्याल से आप लोगों को ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी मुख्य बिंदु हैं वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डिफाइन करने का प्रयास किया है। इसके आधार पर आप अपनी तैयारी करिए और अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।